पूरा इंतज़ाम है यहाँ पे, एकदम बढ़िया चॉपर। यहाँ पे आलू पक रहा है, यहाँ पे टमाटर पक रहा है, गया इसके ऊपर अब हाँ बढ़िया आराम से लिट्टी चोखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो কেমন আছো তোমরা? আশা করি ভালোই আছো, আমি ভালো আছি। তো আজকে একটা নতুন ব্লগ শুরু করতে চলেছি। আজকে আমি আছি দেরাদুন, এটা সেলাকুই জায়গার নাম। এখানে একটা ফার্ম হাউসে আছি। যেরকম আমি কালকে বলেছিলাম, আজকে আমি লিট্টি চোখা বানাবো এবং পুরো ফার্ম হাউসটা দেখাবো। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অর্পণ দেবনাথ, তোমরা দেখছো এডি ব্লগস। চলো ব্লগটা শুরু করা যাক। একদম খেত ওই দিকটা একবার দেখাই আরো দূরে, একদম জাস্ট ঘরের থেকে বেরিয়েই, একদম এটা ব্যাক সাইড থেকে বেরিয়েই টান টান খেত, এবং খুব পিসফুল, বেশ ঠান্ডা আছে এখানে। আচ্ছা, তোমার নাম? আশিস। মনীষ, আপনি লিট্টি বানায় কেসে যেতে? আটা, হ্যাঁ, মাস্টার্ড অয়েল, হ্যাঁ, মিরচি, হ্যাঁ, ধনিয়া পাতা, হ্যাঁ, সত্তু, হুম, बैंगन, अगर चोखा बनाना है तो नहीं, तो पहले एक एक करके आते हैं। पहले हम लोग लिट्टी, मतलब एकदम पहले से कैसे, सिर्फ लिट्टी का, मतलब सत्तू, सिर्फ लिट्टी बनाना है, सत्तू, लहसुन, मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा नमक और आटा, ये बैंगन, बैंगन में ये लहसुन डाल के इसको बस फिर पकाना है, और ये मिर्ची भी डालना है, देन उसके बाद सत्तू का, लहसुन, मिर्च, नींबू, और इसमें जमाइन मंगरेड़ा डाल दिया है सत्तू में, थोड़ी सी नमक को रेडी किया है। अभी तक तेल नहीं दिया ना? नहीं अभी नहीं डाला गया। अभी अभी ये ब्रिंजल है, इसमें मिर्ची और जिंजर डाल के अभी इसको अभी पकाएंगे इसको यहाँ पे। खाते हैं लिट्टी, कलकत्ता में भी मिलता है पर उतना अच्छा नहीं मिलता है, उतना ज्यादा नहीं मिलता है। हैंडमेड बिहारी स्टाइल, वो तो कोलकाता का था, ये थोड़ा बिहारी स्टाइल में बनेगा। वो अलग क्या है बिहारी और स्टाइल में और कोलकाता वाला? इमोशन। तो देख रहे हैं कैसे धुआं आ रहा है, स्मेल भी आ रहा है। आप लोग घर पे ऐसे बनाते हैं पहले? बनाते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आपका फर्स्ट टाइम है? आपका? मेरा तो, मैं तो कितना बार बनाया। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हमारा बैंगन हो गया है अब, और इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था वो बताएंगे कि उसमें जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डलता है बिहारी स्टाइल में, ये रहा चोखा के लिए, ये हमारा, उसमें आलू डलेगा, थोड़ा सा आलू डलेगा, इसको बॉईल किया जाएगा पहले। तो अभी हम हाँ, जो रहते थे उन्होंने बताया हमें कि 2000 जो था हमारा, 2000 के अप्रॉक्स, उस टाइम में यहाँ ठंडी होती थी, ठंडी, घर में पंखे ही नहीं लगे रहते थे, किसी के बर्फ भी गिरता था, स्नोफॉल भी होता था, प्रॉपर देहरादून में। तो एकदम रेडी है एकदम, अभी ये घोले खोल दे, कुछ डालेंगे तेल और डालेंगे, थोड़े तेल डालेंगे, ये हो गया एकदम ऑलमोस्ट हो ही गया मिक्स, नींबू थोड़ा सा, तो आटा नहीं ना हुए चे, आटा ऊपर एक टू कालो जीरा दा हुए चे, और तेल दा हुए चे, माने सर्षे तेल, एबार एटाके गोलानो हबे, एदिके आमादेर स्टाफ रेडी, एखाने लिट्टीर बेसिक नीड, हाँ, नमक अपने अकॉर्डिंग, नमक, एग्जैक्टली, नमक अपने अकॉर्डिंग डालिए, आप जैसा खाएंगे, अब पानी जाएगा इसमें, इसके बाद इसको घोलेंगे, और वहाँ पे टमाटर, ब्रिंजल, सब रोस्ट हो चुका है, मतलब अभी बारी है मेन चीज का, जो कैसे इसको शेप देंगे, हाँ, स्टफ करेंगे, एग्जैक्टली। साइज कैसा होगा? मीडियम, हाँ, मीडियम साइज, मीडियम साइज बनाएंगे। एक गोला ले लिया, वहां पे भी बन रहा है एकदम बढ़िया, साइज दिखाया एक बार, एकदम अभी ठीक है, अभी इसको हाँ स्टफ डालेंगे, फिर हाथ में ले लिया ये, अभी इसके अंदर डाल दिया, इसमें जो किया हुआ था पहले, इसको मोड़ा जाएगा, मोड़ा जाएगा अभी, मोमो की तरह, वो अलग टाइप हो गया, ये अलग टाइप हो गया, इसको ओके, तो ये बन गया हमारा लिट्टी, ये रख दिया, इसको आप दबा भी सकते हो, शेप बदल जाता है, शेप बदल सकते हैं, बढ़िया बढ़िया।
তো একদম যেরকম হয় টিম ওয়ার্ক সবাই মিলে আমি একটুখানি চেষ্টা করে দেখি একদম এতটা গর্ত করে তার মধ্যে স্টাফ দিয়ে এটাকে মোড়াতে হবে এখানে অনেক কটা লিট্টি রেডি আছে দেখতে পাচ্ছেন অ্যারাউন্ড কত পিস হবে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 ये 14 आ रहा है और ये 15 अरे रेडी हो गया कितना प्यारा बना है ना तो आलू सेद्ध हो गए এখানে বেগুনও আছে পোড়া এখানে টমেটো রোস্ট করা হয়ে গেছে মিরচি হয়ে গেছে এবার इसको अभी इसको इस बार मिक्स किया जाएगा मिक्स किया जाएगा अभी सही से चोखा बनेगा चोखा मस्टर्ड ऑयल और नमक नमक बस और वो बात नमक अपने हिसाब से दीजिए अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहिए बनेगा चोखा और ये बॉनफायर होगा ना हम लोगों का बॉनफायर में ही पकेगी बॉनफायर में ही स्मोकी स्मेल आएगा ना अच्छा तो चलिए সকালে যে জায়গাটা দেখিয়েছিলাম আমি বাইরে যেই সামনে একদম পুরো গ্রিনারি যেটা আছে ওখানেই বসে বনফায়ার হবে এক মিনিট থোড়া চাককে দেখেঙ্গে নিকালতে বড়িয়া অনেক দিন বাদে লিট্টি চোখা খাবো মানে একদম নিজে হাতে বানিয়ে পুরো সবাই মিলে কাঠ আনা হয়েছে এখানে ক্যাম্প ফায়ার হবে পুরো একদম बहुत बढ़िया तो यहाँ पे लकड़ी जल चुका है इसमें क्या होता है लकड़ी पूरा जलने के बाद इसको सेका जाएगा लिट्टी को हाँ मतलब जैसे जाली के ऊपर रखते हैं वैसे ही ये कोयले टाइप हो गया इसके ऊपर अब हाँ बढ़िया बढ़िया अब इसको मतलब ये कर देंगे ढक देंगे हाँ ऊपर से ये आग डाल के ढक दिया जाएगा कवर कर दिया जाएगा ओके ओके बॉनफायर भी हो गया एक तरीके से क्योंकि आग जला बॉनफायर हो गया उसके बाद लिट्टी सेक रहे उसके बाद खाएंगे एट लास्ट खाएंगे कितना हीट है यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है इसके अंदर एकदम स्मोकी फ्लेवर है इसमें एकदम लिट्टी ऐसे लकड़ी के ऊपर पहली बार तो इसको अब झाड़ा जा रहा है पूरा ये राख हो गया राख वगैरह उसमें लगा होगा तो भट जाएगा सब भट जाएगा बढ़िया तो এটা একদম পুরো রোস্ট হয়ে গেছে একদম এটা যেটা দেখছেন রোস্ট হয়ে গেছে এটা পড়েনি রোস্ট হয়ে গেছে খুব সুন্দর গন্ধ বের হচ্ছে এখানে ঘি জমে আছে পুরো এত ঠান্ডা এখানে ঘি এবার এখানে গরম করা হবে গরম করে ঘিতে ডোবানো হবে দেখ রে কত ঠান্ডে यहां पे वेलकम टू देहरादून वेलकम टू देहरादून बढ़िया धनिया पत्ता काटो तुम रखो इसको बस तो रेडी हम लोगों का लिट्टी चोखा रेडी एकदम बीच में लाइए ये हो गया लिट्टी चोखा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टेस्ट करते पहले लेते हैं एक लिट्टी उठा पूरा घी लगा हुआ है देख रहे हैं ग्लो कर रहा है बहुत बढ़िया बना है बहुत बढ़िया अंदर तक एकदम रोस्ट हो गया पूरा बढ़िया आप लोगों को थैंक यू ऑलवेज वेलकम ब्रदर चलो हम लोग अपना मील एंजॉय करते हैं তো দেখলে তোমরা লিট্টি বানানো হলো খাওয়া হলো টান টান খুব সুন্দর খেতে এবং ঘরে এরকম ভাবে বানিয়ে আমি প্রথম খেলাম তো থ্যাংকস টু অল যে এত 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 ভালোবাসা দেওয়ার জন্য এবং এত আপন করে নেওয়ার জন্য
তো খুব টায়ার্ড আমি, এবং কারণ হলো আমার একদম 4-5 দিন ধরে আমি 6 দিন ট্রেক করে এসেছি, মানে হলো এখান থেকে দেরাদুন টু সাকরি, সাকরি টু জুদাকাতালা, জুদাকাতালা টু বেস ক্যাম্প কেদারকান্ড, তারপর কেদারকান্ড টপ হয়ে আবার ব্যাক টু জুদাকাতালা, রাতে ছিলাম, তারপরে আমি ব্যাক করে সাকরি হয়ে দেরাদুন এসেছি, এবং দেরাদুনে এখন লিট্টি বানানো হলো, খাওয়া হলো। তো খুব টায়ার্ড, আজকে ভালো করে ঘুমাতে হবে, কালকে ট্রেন জার্নি আছে। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করো, কমেন্ট করো, 1 view 1 like 1 comment, কমেন্ট করো যা মনে হচ্ছে লেখো, আর যদি ভালো লেগে থাকে শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, সবার সাথে, এই মজা শুধু আমি একা কেন, সবাই মিলে এই মজা পেতে চাই। সাবস্ক্রাইব করো আমার ইউটিউব চ্যানেল। পুরা ইন্তজাম হ্যাঁ ইয়াহ পে একদম বড়িয়া চপার, ইয়াহ পে আলু পক রা হ্যায়, ইয়াহ পে টমাটর পক রা হ্যায়।